Yeah, Mimi. Yeah.
इसलिए यही जलाकर रात के ऊपर में समाधि बना ली जाती थी। यहाँ पर भगवान बुद्ध बिफोर क्राइस्ट वहाँ भेजा जा सकता था, इसलिए यही जलाकर रात के ऊपर में समाधि बना ली जाती थी। यहाँ पर भगवान बुद्ध बिफोर क्राइस्ट आए थे। बुद्ध के आने के 1000 वर्ष के बाद नरेंद्र की स्थापना हुई। ये 2600 वर्ष पुराना है और ये 1600 वर्ष पुराना है। भगवान बुद्ध जिस समय आए थे उस समय यह आमों का बगीचा था, आमों पौड़ी का वन के नाम से जाना जाता। आए दो लोकल शिष्य को बनाया, एक सारीपुत्र और दूसरा महामोगलायन। सारीपुत्र का मृत्यु नालंदा में हुआ, इसलिए इसका स्तूप नालंदा में बना। महामोगलायन का मृत्यु सांची मध्य प्रदेश में हुआ, उसका स्तूप सांची में। ये 7 बार 7 राजाओं ने बनाया है, इसलिए क्रमबद्ध ऊंचा और सॉलिड ठेस है। 3-4 बार का डैमेज है। 5वीं, 7वीं, 9वीं की सीरीज अक्सर क्रमबद्ध एक के ऊपर एक देख रहे हैं। और ये चमत्कार थे मेडिटेशन के, इससे हुआ था। और आप लोगों को मुझे इसको परिक्रमा करने के लिए, तो परिक्रमा यहाँ कोरा करते हैं, तो इधर से रास्ता इधर है और नहीं तो इधर से। आइए एक टेम्पल और हम देखेंगे मेडिटेशन। हम लोग इधर इसी तरह की मूर्तियाँ म्यूजियम में है। ये देखकर जानकारी भी कुछ करते हैं कि छोटी छोटी मूर्तियाँ भगवान ठंडे पर किधर है? रुक जाइए मैं एक मिनट। आगे आ जाइए ना।